हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही इजी सी खीर की रेसिपी, जो बहुत ही जल्दी बन जाती है, बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत ही सिंपल तरीके से खीर बनाऊंगी। तो चलिए हम बनाते हैं आज खीर। ये खीर बनाने के लिए मैंने एक पतीले में देखे, सबसे पहले दूध को अच्छे से उबाल लिया है। मैंने 1 लीटर भैंस का दूध लिया है और इसको अच्छे से उबाल लिया है। तो ये मैंने चावल भिगो दिए थे आधे घंटे पहले, और ये चावल मैं अब इस खीर में डाल रही हूँ। बिल्कुल सिंपल तरीके से खीर बनाऊंगी, खीर बहुत ही टेस्टी बनती है। तो चावलों को हम खीर इसमें दूध में अच्छे से मिला देते हैं और गैस को हम कर देते हैं मीडियम फ्लेम पे, और अच्छे से मिक्स करते हुए हल्के हल्के से ये जो खीर हमारी बनेगी। बीच बीच में एक बार हमें खीर को संभालते रहना है, उसमें चमचा चलाते रहना है। ये खीर हमारी अच्छे से पक चुकी है, चावल भी जो है अच्छे से गल गए हैं। तो इस स्टेज पे अब मैं इसमें डाल रही हूँ चीनी। तो चीनी आप कम या ज़्यादा खाते हैं उसके अकॉर्डिंग आप डाल लेना। खीर में चीनी थोड़ी ज़्यादा ही अच्छी लगती है, फीकी खीर अच्छी नहीं लगती है। तो चीनी को भी हमने खीर में मिक्स कर दिया है, और इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। जो जो ड्राई फ्रूट्स आपके पास अवेलेबल हो वो आप डाल सकते हो, जो आपको पसंद हो वो आप डाल सकते हैं। इनको रोस्ट करके भी डाल सकते हैं, मैंने तो इनको वैसे छोटे छोटे टुकड़े करके डाल दिया है। तो आप 5 मिनट तक खीर को हम और पका लेते हैं, इसके बाद हमारी गर्मा गर्म खीर खाने के लिए रेडी है। खीर हमारी अच्छे से पक चुकी है, तो चलिए अब हम गर्मा गर्म खीर को सर्व करते हैं। तो अब हम खीर को सर्व करेंगे गर्म गर्म। हमारी खीर बहुत ही अच्छी खीर बनी है, बिल्कुल ही सिंपल तरीके से मैंने ये खीर बनाई है। जब भी बच्चे ज़िद करे अचानक घर में कोई मेहमान आ जाए, तो आप इस तरीके से खीर बना सकते हैं। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।